हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2012 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट एच, रेडियस आर, डेंसिटी रो फ्लोट्स वर्टिकली ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो जीरो। द सिलेंडर विल बी सेट इन टू ऑसिलेटरी मोशन व्हेन ए स्मॉल इंस्टेंटेनियस डाउनवर्ड फोर्स इज अप्लाइड। The frequency of oscillation is, चार ऑप्शन गिवन है, अपन को क्या करना है, स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये 11th-12th क्लास का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है आपको जो कि वाटर के अंदर है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है h, रेडियस कितनी है r, इसकी डेंसिटी कितनी है rho, और जिस लिक्विड के अंदर है ये उसकी डेंसिटी कितनी है रो जीरो। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो जीरो। अब क्या हो रहा है, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तब क्या होगा, इसका जो वेट होगा वो बैलेंस होगा। किसके द्वारा बैलेंस होगा, वो ये जो लिक्विड इस पे बायंसी फोर्स लगाएगा। बायंसी फोर्स क्या होता है, ऊपर की तरफ लगता है जो कि लिक्विड लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और इसका वेट क्या है नीचे mg, तो उस टाइम बैलेंस है। अब आपने क्या किया, इसको हल्का सा पुश किया, एक स्मॉल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दी हल्की सी, तो उस डिस्प्लेसमेंट के कारण ये क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, यानी कि आपने इसको x डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब क्या होगा, इस पे डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा था वो तो उतना ही है mg, बट जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था बेयोंसी का वो ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि अपवर्ड बेयोंसी का फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम कह सकते हैं, मास ऑफ द लिक्विड भी कह सकते हैं। तो वो क्या होगा, जैसे ही आप इसको और नीचे करोगे तो लिक्विड और ज्यादा भाग जाएगा। जैसे जैसे अपने किसी चीज को ज्यादा लिक्विड में डुबोते हैं तो पानी बाहर आता रहता है, डिस्प्लेस होता रहता है, तो इसीलिए इस पे अपवर्ड फोर्स जो बेयोंसी का है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। वो फोर्स कितना होगा, वो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो उस फोर्स को अपन डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ, फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, तो यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो माइनस साइन आएगा। अब जो भी फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, वो फोर्स होगा बेयोंसी का फोर्स। बेयोंसी का फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स ग्रेविटी, जो भी उसका मास होगा और जो भी उसकी ग्रेविटी होगी। अब मास कितना है, जो इसका मास यहां पे कितना है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, लिक्विड की डेंसिटी। मास किसका, जो भी लिक्विड का मास जो डिस्प्लेस हुआ है, और कितना डिस्प्लेस होगा, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, तो माइनस डेंसिटी किसकी, रो जीरो लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, कुछ सिलेंडर का एरिया होगा ए, वो एरिया पूरा क्या होगा, सेम होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है एक्स टाइम्स जी, ये आपका है फोर्स। अब ये फोर्स कितना है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और मास किसका, इस सिलेंडर का, जो भी सिलेंडर का मास है, और इस सिलेंडर का मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया, टोटल हाइट कितनी है एच, और डेंसिटी कितनी है इसकी रो, और ए क्या है एक्सेलरेशन, जिसको आप एक्स डबल डॉट भी लिख सकते हो। तो इसको अपन क्या लिख लेते हैं, एक्स डबल डॉट, और ये कितना आ रहा है, माइनस रो जीरो ए जी टाइम्स एक्स। तो आप क्या करो, ए से ये तो कैंसिल हो गया, एक्स डबल डॉट कितना आ गया, माइनस रो जीरो जी बाय रो एच, बाय रो एच यस। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई SHM की, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये कितना है, ओमेगा स्क्वायर रो जीरो जी बाय रो एच, तो ओमेगा कितना आ गया अपने पास, रो जीरो जी बाय रो एच का रूट। ये अपनी आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, रो जीरो जी बाय रो एच का रूट, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसमें बस यही ध्यान रखना है
कि जो बयोन्सी फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जो भी मास डिस्प्लेस्ड होता है किसका, लिक्विड का। अब मास लिक्विड का डिस्प्लेस हो रहा है तो डेंसिटी भी लिक्विड की आएगी, यहां डेंसिटी लिक्विड की आएगी और यहां पे किसकी डेंसिटी आएगी, ये फोर्स किस पे लगेगा, सिलेंडर पे लगेगा। सिलेंडर का मास कितना है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। तो बस इसमें डेंसिटीज का ही खेल है, अगर आपने डेंसिटीज गलत रख दी तो आपका आंसर गलत आएगा। बट यही ध्यान रखना है कौन सी किसकी डेंसिटी है और कब कहां यूज करनी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो। मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, थ्री पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम आर कनेक्टेड बाय टू आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट के एज शोन इन द फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये मास है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, एक और मास है, यहां एक और स्प्रिंग लगी हुई है और यहां पे एक मास है, ये तीनों मासेस क्या है, सेम एम एम एम। अब वो कह रहा है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, x1, x2, x3, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, x1, x2, x3, इसमें x1 आ रही है, इसमें x2 आ रही है, इसमें x3 आ रही है। अब वो बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अपन को पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका भी के स्टिफनेस कांस्टेंट के है, इसका भी स्टिफनेस कांस्टेंट के है। अब देखो ये मास x1 डिस्टेंस चलेगा इधर, ये मास क्या करेगा x1 डिस्टेंस इधर चलेगा, मान लो ये पॉइंट इधर आ गया, ये मास क्या करेगा x2 डिस्टेंस इधर चलेगा, ये क्या करेगा x3 डिस्टेंस इधर चलेगा इक्विलिब्रियम से, ये x3, ये x2, ये x1। तो इसके अंदर टोटल एक्सटेंशन कितनी आएगी, x2 माइनस x1, तो हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर। इसके अंदर कितनी आएगी, देखो यहां से ये आगे हो रहा है x3, यहां से ये आगे हो रहा है x2, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी आएगी, x3 माइनस x2। तो ये अपनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, हाफ के कॉमन आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और यहां ये कितना आ गया x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x2 x3। तो अपने पास कितना आ गया, हाफ के x2 स्क्वायर कितने आ गए, दो, x1 स्क्वायर कितना, एक, x3 स्क्वायर कितना, एक, और यहां पे क्या आएगा माइनस टू एक्स टू कॉमन आ रहा है और ये बनेगा x1 प्लस x3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया अपना, सी ऑप्शन के अंदर 2x2 स्क्वायर तो है बट ये वाली टर्म प्लस 2x2 है तो वो गलत हो गया अपना। डी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसके अंदर यहां माइनस भी है और 2x2 स्क्वायर भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। और यही क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम एक्स वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एक्स टू डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एक्स थ्री डॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इजी थी इसीलिए उसने पूछी भी नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें मेन कंसेप्ट था जो कि उसने पूछ लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पॉज करके करने की कोशिश करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, लेट वी पी एंड ई डिनोट द स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम। ठीक है, वी पी एंड ई ये आपको दिए हुए हैं। अब वो पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, डी बाय डी पी कह रहा है वो कांस्टेंट होगा कुछ, एक ऑप्शन है वी इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर रूट, एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है पी इज इक्वल टू एम सी, और एक ऑप्शन दिया हुआ है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अपन को पता है रिलेटिविस्टी जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, ई इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू द पावर फोर रूट। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया, इससे ये ऑप्शन गलत हो गया, पी इक्वल टू एम सी नहीं होता। अब दो ऑप्शन बचते हैं डी बाय डी पी, तो अपन को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के साथ डिफरेंशिएशन करना है, इसकी पावर कितनी है वन बाय टू, तो वन बाय टू आगे आएगा, वन बाय टू माइनस वन, माइनस वन बाय टू यानी कि नीचे जाके रूट हो जाएगा एम स्क्वायर सी रेज टू द पावर फोर रूट।
अब पी स्क्वायर सी स्क्वायर का करेंगे तो पी स्क्वायर का कितना होगा, टू पी इंटू इंटू सी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया, तो डी डी बाई डी पी कितना आ गया, पी सी स्क्वायर डिवाइड बाय दिस। अब यहां से क्या करो, सी स्क्वायर कॉमन ले लो, जब आप इसको सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा सी, तो ये सी स्क्वायर कॉमन आ गया इधर से, जब यहां से सी स्क्वायर कॉमन आ गया तो पावर टू बच जाएगी, सी स्क्वायर का बाहर रूट आएगा सी, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पी सी डिवाइडेड बाय दिस ऑप्शन, यानी कि या तो अपने पास ये ऑप्शन बच रहा है या ये ऑप्शन बच रहा है। अब ये किसके इक्वल होता है, डी बाई डी पी होता है वी के इक्वल, कैसे होता है, आपने ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, वी जी इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाय डी के। अगर मैं इसको ऊपर नीचे एच कट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि एच कट ओमेगा और ये एच कट के, तो एच कट ओमेगा अपन को पता क्या होती है, एनर्जी, और एच कट के क्या होता है, मोमेंटम। तो वी डी बाय डी पी कितना आ गया, ग्रुप वेलोसिटी यानी कि उसको बोलते हैं वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, पी सी डिवाइडेड बाय रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया इसके अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है खुद से करने की ट्राई करो, और उसके बाद अगर समझ नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन देखो इसका। ए बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार एस वन एंड एस टू विद मासेस एम एंड टू एम respectively separated by a distance r. If both s1 and s2 individually follow circular orbits around the center of mass with speeds v1 and v2, then ratio of speeds is. यानी कि आपको दो मास सन दिए हुए हैं, एक m, एक है 2m का, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो ये दो स्टार है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 2m के पास, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसके अबाउट क्या कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r1, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसके सेंटर से R2। अब अपन को पता है जो RCM का फॉर्मूला कितना होता है, 11th क्लास का फॉर्मूला है ये सेंटर ऑफ मास का, M1 R1 डिवाइडेड बाय M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब अपन ने क्या कर लिया, इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कल कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास को अगर मैं ओरिजिन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू कितना आ गया, जीरो। तो एम वन आर वन किसके इक्वल आ गया, माइनस एम टू आर टू। अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करूं, अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करूं तो कितना आएगा, एम वन R1 equal to M2 R2। अगर मैं इसको T से डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो कितना आ जाएगा, M1 dR1 by dt, और ये हो जाएगा M2 dR2 by dt। ये कितना बन गया, वेलोसिटी जो कितनी दी हुई है V1, ये दी हुई है V2, तो अपन को क्या पूछा है, V1 by V2, वो कितना आ गया, M2 by M1। अब M2 कितना है, 2M, M1 कितना है, M, M से M कैंसिल हो गया, तो V1 by V2 कितना आ गया, 2, तो अपना D ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी जो 11, 12 के सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के हैं कभी कभार वो भी पूछ ले जाते हैं। अपन सोचते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन वो इजी होता है बिल्कुल।